सपनों से भरे आसियाने का ख्वाब दिखाकर बिल्डर ने किया लाखों रुपए का झोल। पैसा फंसाए लोग काफी परेशान, डूबेगा पैसा या मिलेगा आसियाना, जंग जारी। सिलवासा पुलिस थाने में दोपहर के वक्त एक साथ कई लोग बिल्डर की शिकायत लेकर पहुंचे। ये वही पीड़ित लोग हैं जिनको बिल्डर ने करमखल के एक एनए प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने और फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगा गया है। हालांकि गुजरात पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही भी सुचारू कर दी है। इसी मामले को लेकर सिलवासा के रहने वाले पीड़ित लोगों ने धोखाधड़ी के इस मामले को लेकर सिलवासा थाना पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी को इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायत दी गई है। मेरा नाम रितु गुप्ता है और 5 साल पहले हमने बुकिंग किया था। उन्होंने बोला कि 260,000 में हमने बुक किया था। पहले बोले कि क्या बुकिंग किया था आप लोगों ने? रूम बुक किया था। तो बोले कि जितना जल्दी आप पैसा दोगे उतना जल्दी हमने आपको रूम देंगे। तो हमने पहले 60,000 रुपया दिए और 14 दिन के अंदर में हमने 260,000 पूरा कर दिया उनका। बोले कि आपको 3 महीना में आपको रूम दे देंगे। 3 महीना में हम देखते देखते 2 साल हो गए नहीं दिए। फिर हमने बोला 2 साल हो गए, आपने 3 महीना का टाइम लिया, अभी रूम नहीं दिए। तो हमने बहुत बोले तो हमें रूम रहने के लिए दिए। 2 साल हो गया रूम रहने के लिए दिए हैं, बाकी अभी मेरा रूम दिए नहीं। 5 साल हो गया मेरा हमने पूरा भर दिया। 260,000 ने बोले 260,000 हमने पूरा भर दिया। ब्याज तो वो भी गाँव से ब्याज पे मांग के ला के दे दिए। मेरा नाम सुशील सिंह है। मैं करमखल में एनए प्लॉट में 2.5 लाख में 2020 दिसंबर में फ्लैट के नाम से 2.5 लाख रुपया दिया था, जो कि मेरा एजेंट था अरविंद उपाध्याय। बीकानेर नाम से चेक लिया और मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक से 2.5 लाख रुपया कटा दिया। उसके बाद अभी तक वो रोज़ 2 महीना 4 महीना कहते कहते 3-4 साल लगा दिया और अभी कुछ नहीं दे रहा है। और अब यहाँ सुना हूँ कि कल परसों डोंगरा पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है। फिर हम लोग ने यहाँ पर आके केस लेके यहाँ पर अभी 80-90 आदमी आके FIR दर्ज कराया हूँ सिलवासा पुलिस स्टेशन में, जो कि FIR अब अभी लिखा रहा है। किसी समस्या लेके हम टोटल आदमी यहाँ पर ज्वाइंट है। किसी को 5 लाख है, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख। सभी आदमी यहाँ पर परेशान होके, और सभी मजदूर लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसे वाले हैं, सब 400-500 रुपया रोज़ कमाने वाले हैं। फरवरी के महीने में करीब हमको बोले कि 50-50,000 करके डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको 2 लाख देना होगा। तो हमने लगभग 4 महीने का टाइम दिया था, लेकिन हमने 4 महीने में नहीं कर पाया। तो 50,000 हमने कर्जा लेकर 5वें महीने में हमने डाउन पेमेंट कर दिया। करने के बाद उन्होंने ये भी मतलब करार हुआ था कि जब आपको टाइम से नहीं मिल पाएगा तो आपको भाड़ा दिया जाएगा, भाड़ा नहीं अगर जो लेंगे तो आपको रूम दिया जाएगा। तो हमने करीब 6-7 महीना आगे पीछे उनके लगा रहा। तो मतलब प्रेशर के डालने के बाद ही जो हमारे 2 एजेंट थे, राज कमल दुबे और सुनील पांडे करके थे, तो वो वीजा साले हैं दोनों जने। तो उन्होंने मतलब दबाव दिया तो जाके हमको रूम दिलाया बिल्डर के तरफ से रहने के लिए, और करीब हमको 2 साल हो गया अभी रहे। हमारा लिंक था वो 2 एजेंट थे, राजकमल दुबे और सुनील पांडे, जो जेल